ये देखिए दोस्तों, यही बोल्ट गिर गया है, ये रहा देखिए, यहाँ से गिर गया। जाइए, कोई नहीं है, जाइए। तो देखते हैं, रोड फाँका रहता है, फोर लाइन भी है, कुछ सागर भी चलाता है गाड़ी, रात में चलाएगा गाड़ी सागर भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सुबह 4 बजे चले थे संगोला से, वही सोलापुर से जहाँ सोए थे हम लोग, 4 बजे सुबह उठ के चले हैं, तो अभी तक चल ही रहे हैं। अभी तो सुबह का 10 बज गया है, यहाँ हम लोग गुरुद्वारा लोहा पहुँच गए हैं, लोहा घाटी पर है अभी, तो जा रहे हैं गुरुद्वारा, वही माथा टेकेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे और देखते हैं आज रात में कहाँ तक पहुँच पाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बाबा जी के पास गुरुद्वारा में, तो अभी हम लोग यहीं पे, मतलब 1 बज चुका है, तो यहाँ पे प्रसादा खाने के बाद ही अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मतलब हर चक्कर जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो बाबा जी के दर्शन ज़रूर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों शाम के 4 बज गया है और हम लोग सब गुरुद्वारा माथा टेक के भी आ गए हैं, प्रसादा वगैरह भी खा लिए हैं, अब निकलने की तैयारी में हैं। तो यहाँ पर एक दुकान है साबुन वगैरह कपड़ा पीछने का, ऐसे साबुन तो बहुत है कपड़ा पीछने वाला, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन हम लोग ये सब गाड़ी में रखते हैं। ये साबुन से क्या है ना कि कितनों भी ग्रीस मोबिल हो साफ़ हो जाता है। अब ग्रीस मोबिल काटने के लिए हम लोग को यही साबुन का जरूरत पड़ता है, तो घर में तो आदमी दूसरा ही साबुन यूज होता है सब। ठीक है दोस्तों, अभी निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, और टारगेट अपना नागपुर तो आज नहीं पहुँच पाएंगे, यवतमाल वगैरह तक का टारगेट में है, और आगे तो खैर समय बताएगा कहाँ रुकेंगे क्या करेंगे। ऐसे छोटा सा काम भी है गाड़ी में, नांदेड़ में एजेंसी है लीडन कंपनी का, अगर वहाँ काम होता है तो रुक के देखते हैं, कराते हैं, और नहीं हुआ तो फिर नागपुर, नहीं तो फिर रायपुर। ऐसे रुकने वाला गाड़ी नहीं है, उस काम के चलते कोई परेशानी नहीं है। ये बोल्ट है, वो बोल्ट टूट गया मेरा। ये देखिए दोस्तों, यही बोल्ट गिर गया है, ये रहा देखिए, यहाँ से गिर गया। पहले दोस्तों वो थोड़ा सा कट गया था, यहाँ से टूट गया था, लेकिन अब गिर ही गया है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे है, ये पूरा इतना, मतलब यहाँ तक है ये बोल्ट, इतना मोटा और लंबा भी है, लेकिन फिर भी गिर गया। अब क्या बोल सकते, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नुकसान है नहीं, लेकिन फिर भी तो लगवाना पड़ेगा ही। दोस्तों ये रहा, यही लीलन कंपनी है, तो पापा भी जा रहे पता करने के लिए। ऐसे तो कोई दिख नहीं रहा है अंदर, गार्ड है, गार्ड से पता चलेगा कंपनी खुला हुआ है कि बंद है। दोस्तों ये नांदेड़ में था यहाँ पे लीलन कंपनी, तो ये तो बंद हो गया है, ये रोड चौड़ा और उसके चलते ये बंद हो गया। बोलता है अभी नंबर दे के गया गार्ड को, यहाँ गार्ड बोला है कि हैदराबाद रोड पे चला गया यहाँ का लीलन कंपनी। अब देखते हैं, हैदराबाद रोड पे तो जाएंगे नहीं, यहाँ से 10-12 किलोमीटर साइड में पड़ता है, जाइए, कोई नहीं है, जाइए। धीरे 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 चलिए चले। यहाँ महाराष्ट्र में दोस्तों अभी लगता है मेला का सीज़न चल रहा है, क्योंकि अभी नांदेड़ में भी यहाँ मेला लगा है, और थोड़ा लोहा के आगे भी लगा हुआ था, लेकिन वो तो बंद हो गया है, तो वही अभी थोड़ा जाम चल रहा है इसी के कारण, मेला के कारण, पुलिस वाले भी है। तो शाम को 5 बजे अभी तक नांदेड़ पार करते करते जाम ही जाम मिल रहा है, पता नहीं पूरा मेला का जाम है क्या चीज का है, हर जगह गाड़ी मेरा ब्रेक लग जा रहा है, बहुत ज्यादा जाम चल रहा है इस गाड़ी।
दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग वारंगा फाटा में आ चुके हैं, तो हम लोग सब्जी लेना है क्योंकि इतने दिन वहाँ खड़े हो गए तो सब्जी पूरा खत्म हो चुका है। तो देखते हैं, प्याज तो अपने पास है, आलू लहसुन और टमाटर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ देखते हैं, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों यहाँ रोड बन रहा है तो जगह नहीं है, रोड मतलब ये लोग तोड़ दिए, काट दिए, तो देखिए थोड़ा मुश्किल हो रहा जाने में। मिल गया सब्जी दुकान। और ये टमाटर कैसे दे रहे हो भैया? इसका टमाटर का 20 रुपये केजी। सब्जी ले ली है दोस्तों, अब चलते हैं वापस। देखते हैं दोस्तों, अगर कुछ समोसा वमोसा मिल जाएगा तो खाने के लिए भी हो जाएगा। जैसे भी शाम हो गया, थोड़ा भूख लग रहा है। रोड का यहाँ दोस्तों काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों नांदेड़ तो पार कर गए, पूरा गियर मारते मारते हालत खराब हो जाता है, जाम जुम ट्रैफिक दुनिया भर के, मेला वाला भी लगा हुआ था तो बहुत ज़्यादा थकावट आ जाता है। तो औरंगा फाटा बोल के जगह है यहाँ, वहीं पर हम बोले कुछ नाश्ता लेकर आओ, तो सागर गया था नाश्ता लाने के लिए। यही जलेबी और थोड़ा मिक्सचर है, मिक्सचर तो गाड़ी में ही था, पहले का मिक्सचर है, जलेबी मंगाए, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं हल्का फुल्का, फिर चलेंगे निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जलेबी गरम गरम बन रहा था, सागर बोला यही ले लेते हैं, ले लो। दोस्तों अभी रात के 9 बज गया, हम लोग महागांव आ चुके हैं, जितना खराब रास्ता सब पार कर लिए। यहाँ से तो खैर अच्छा रोड है पूरा नागपुर रायपुर तक। दोस्तों यहीं पर रुके हुए, अभी थोड़ा सा खाना वाना जा रहे बना लेते हैं गाड़ी में, खाना वाना बना करके फिर चलते हैं, निकलेंगे यहाँ से। सुबह से चल रहे हैं, वहाँ से तो 300 से तो ऊपर ही किलोमीटर हो गया है मेरा, फिर भी अभी समय है, कल संडे भी है तो कल नहाना धोना भी है, और ऐसे भी एक काम था तो वो काम देखते हैं अब नागपुर में कल होगा कि नहीं। संडे है, हो सकता है कंपनी बंद हो, संडे को ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जा रहे हैं अभी खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं फिर निकलेंगे। दोस्तों अभी हम लोग रात का खाना बनाने जा रहे हैं, और हमारा आज का रात का खाना यही है, सेव भाजी। और इसका बनाने का कारण ये है कि थोड़ा जल्दी बन जाता है, ये ज़्यादा टाइम ही लगता है, करी बनाना है इसको डाल देना है। ठीक है दोस्तों, इसी को बनाते हैं। दोस्तों हमारा खाना बन गया है, अब चले खाने के लिए। ये देखिए अपना सेव भाजी रेडी। अभी यहाँ से निकलना, अभी हम लोग को यहाँ से रोड तो खैर अच्छा मिलता है, तो देखते हैं, रोड फाँका रहता है, 4 लाइन भी है, तो कुछ सागर भी चलाता है गाड़ी, तो रात में चलाएगा गाड़ी सागर भी, कुछ हम भी चलाएँगे, देखते हैं जहाँ तक जा सकते हैं चलेंगे वहाँ तक। दोस्तों अभी खाना वाना हो गया है, आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं, तो आज रात में हम थोड़ा सा चलाएंगे गाड़ी। अभी यहाँ से कितना दूर होगा यवतमाल? 80 किलोमीटर है दोस्तों, तो कोशिश रहेगा कि 80 किलोमीटर तक गाड़ी चलाए, तो सीधा टोल टैक्स के पास जाके रुकेंगे, वहीं पे हम लोग को सोना है आज। तो ठीक है दोस्तों, अभी निकलते हैं। दोस्तों रात के 12 बज गया है और हम लोग आ गए हैं यवतमाल टोल टैक्स के पास में, तो अभी जा रहे हैं यहाँ पर सोएंगे। अब 2-4 घंटा नहीं सोएंगे तो फिर कल दिन में भी गाड़ी चलाना है ना, तो ठीक है दोस्तों, जा रहे अभी सोने के लिए। और इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।